तो 14 अगस्त की रात से हमारे घर में तैयारियां होने लगी थी भाई 15 अगस्त के लिए, और यहाँ पे पापा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बच्चों में, मतलब सुबह उनको फ्लैग होस्टिंग में जाना था तो ये ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते हैं, और बाकी घर पे सजाने के लिए इस बार हमने बलून्स का ऑल्टरनेटिव कुछ लिया है, लाइक फ्लैग्स हैं ये प्लास्टिक के थे ये, और बाहर मतलब कि हमने सोचा था बैल्कनीज में लगा देंगे रेलिंग पे, तो बस उसी के लिए पापा फ्लैग लाए हुए थे, उन्हीं ने सोचा था कि इस बार बलून्स छोड़ के ये कर देंगे, तो मैंने कहा ठीक है यही कर लेते हैं इस बार, तो बस यही सब हम लोग अभी प्लान कर रहे थे इनको लगाएंगे कैसे, मतलब क्रॉस करके सिंगल सिंगल, तो बस यहीं से अभी डिस्कशन चल रहा है, रात में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 8-9 बज रहा था यहाँ पे, और पापा ये 3 बैचेस भी लाए थे ताकि मतलब उनको लगाना था और बाकी जैनविरा ले लें इसलिए, तो ये बैचेस हैं और बाकी डेकोरेशन का आइटम्स थोड़ा बहुत जो हमारे पास पुराना रखा हुआ था वो हमने नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे का, और यहाँ पे इवरा रेडी हो चुकी है सुबह सुबह पापा के साथ ग्राउंड जाने के लिए फ्लैग होस्टिंग के लिए, ये दोनों साथ में जाते हैं, इनकी चॉकलेट भी पापा लेकर आए थे, पापा के साथ नहीं आई वापस, पापा के साथ चली गई, अच्छा लो यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जैसे कि आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और आज हम लोग भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं बाहर। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वैसे तो कानपुर में ही घूमेंगे, अब कहाँ कहाँ जा रहे हैं ये तो पता नहीं, हर जगह बहुत भीड़ होने वाली है, और बस आपके साथ इंजॉय करते हैं हम भी साथ में, छोटी सी एक आउटिंग हो जाएगी आज के दिन, और बस देखते हैं क्या होता है आज पूरा दिन। अपी का आउटफिट अभी, गाइस डॉल उठा दो, अपी टेबल पे वो है चाबी, तो बस निकल चुके हैं हम लोग बिना कुछ प्लान करे आज कानपुर घूमने के लिए, जैसे कि हर कोई घूम रहा होता है इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, तो हम लारा कुछ भी ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि हम कहाँ पहले जाने वाले कहाँ नहीं जाने वाले, तो यहाँ पे हम पहले मोदी झील साइड आ गए थे, ओपी शर्मा का जादू लगा था यहाँ पे, मतलब मैजिक शो तो हमने फिर यहाँ जैनविरा तो बड़ा कर थे, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं होता मैजिक शो में जाने वाने का, तो यहाँ पे फिर हम लोग सामने कारगिल पार्क था, तो रिक्शा पहले यहीं रुक गया था, जाना तो मोती झील था, तो फिर यहीं पे हम उतर गए, तो फिर यहाँ पे हम कारगिल पार्क जा रहे हैं, ये जब से रेनोवेट हुआ है तब से हम लोग आए नहीं थे यहाँ पे, तो बस मैंने सोचा कि यहीं पे चलो इस बार ये देख लेते हैं, तो यहाँ पे अंदर चल रहे हैं अभी हम आपको साथ साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहली बार आए कारगिल पार्क में जब से ये मतलब थोड़ा रेनोवेट हुआ है, तुम आ चुके ना मेरा, जब अपन लोग दिल्ली गए थे तब हम मम्मी पापा और जैन और हम लोग सब लोग आ चुके थे। नहीं देना है क्या, नहीं है लेकिन दे रहे, क्या है वहाँ पे, चलो आ जाओ, ये दोनों ने अपना अपना स्पेशल आउटफिट पहना है इंडिपेंडेंस डे वाला, मैंने अपना वाला बचा दिया है। तो आपने कैसे सेलिब्रेट करा अपना नेशनल डे, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बोर्ड में बैठे थे जैनविरा, हाँ, नहीं बैठे थे क्योंकि हम लोग बैठना चाहते थे, लेकिन जो है पापा कह रहे थे कि तुम लोग नहीं हो, मतलब आप लोग नहीं हो, हाँ, तो इस वजह से रुके थे, मजा आया था, बहुत भीड़ थी लेकिन अभी होगी भीड़। तो यहाँ पे एक अलग से एरिया बना हुआ था अंडर 12 बच्चों के लिए, थोड़े से झूले लगे हुए थे, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आ गए क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बच्चों को, और इब्रा को भी यहीं पे जाना था, तो बस यहाँ पे आकर, और जैसे कि हर नेशनल डे हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, मतलब जैसे कि ये सबका फेस्टिवल है ना, मेरा ना तेरा वाला, और सभी लोग पूरा इंडिया ऐसे ही सेलिब्रेट करता है, तो बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग तो नेशनल डेज वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं, और उससे ज़्यादा ही करते हैं जितना हम अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेरे घर में तो नेशनल डेज को दिया जाता है हमारे घर में, और पापा काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल से सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर फिर हम लोग आउटिंग के लिए भी इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि सभी लोग वैसे भी पूरा कानपुर भाई यहीं कहीं घूमता रहता है, क्योंकि कुछ ही जगहें हैं यहाँ पर, और 26 जनवरी तो हम लोग ने वहाँ दिल्ली में सेलिब्रेट करा था, हम तीनों का एक सिबलिंग ट्रिप हो गया था, तो बस वो 26 जनवरी वहाँ सेलिब्रेट हो गया था। बैठी रहो, पैरों से वो करो, तो हम लोग जा रहे थे लखनऊ, तो लखनऊ का तो ट्रिप हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि भाई उन्होंने सुबह ही कैंसिल कर दिया हमारा ट्रिप, मतलब जो कार हमने बुक करी थी उन्होंने सुबह ही मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे, तो ऐसा तो सही है कि उन्होंने बहुत जल्दी बता दिया हमें, वरना तो हम लोग रेडी वेडी होकर पूरा प्लान कर चुके होते और फिर हमें मालूम पड़ता, तो फिर हमने सोचा चलो यार कानपुर में भी बहुत सारी जगह हैं घूमने के, ऐसा भी नहीं है, तो हम लोग कानपुर ही घूम लेते हैं, और फिर यहाँ पर हम लोग इसीलिए ऐसी कुछ भी प्लान नहीं था हमारा कानपुर घूमने वाला इसीलिए।
तेज धूप है वो है ना, तुम्हें झूलना नहीं है क्या? अंडर 12 अभी तुम 12 के थोड़ी हो। आ रहे कहाँ है ब्रा? अच्छा पीछे नहीं खड़ी हो दीफा, इस तरफ आ जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? और कहीं भी एरिया है इतना बड़ा घूम के? अभी थोड़ा थोड़ा तो वो भी है, अभी हम लोग अभी दूसरे पार्क चलेंगे, वहाँ पे वो फेंकने अलग थे। हाँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पिकनिक के हिसाब से भी आए, खाना वाना लेके। हम लोग तो ऐसे ही आए बस घूमने के हिसाब से। यहाँ पर कैफे भी है, चलो चलो सही है। कैफे में इतना मेन्यू होना चाहिए कि यहाँ भी लोग आराम से रेस्ट करें। काफ़ी लंबी वॉक हो गई। अरे मेरा फ्लावर गिर गया, दूसरा इबरा मेरे लिए दूसरा फ्लावर ढूंढ देना, ठीक है? परफेक्ट है सर। एक दोस्त में दूसरा लेंगे अभी ना, तो नीचे इबरा इधर ही साइड रहना। अरे चल तो रहिए इस साइड, तुम सीधे चलो। अब ये वाला फ्लावर फेंक फेंक दो, मेरा वाला जैन कहीं वो वाला पेड़ दिखा ना जिसमें घोंसला। अच्छा वो पेड़ में आ जाओ इबरा। चलो यार पापा ने काफ़ी लंबा वाला वॉक करा दिया, उधर ही से मुड़ जाते हैं। अभी कितना एरिया पार करना है, वो पूरा एरिया। आराम से उतरो, सही है इब्रा लटको नहीं। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने बैठे हैं, सामने ओपी शर्मा का मैजिक शो लगा है। क्या ही होता है मैजिक शो में, बेवकूफ़ बना देते हैं, हर साल लगता है यहाँ पे। हाँ ये अपने घर पे लगा हुआ है, ये तो उतना ही बड़ा है जितना अपना है। कुछ ठंडा पापा। हाँ हवा हवा थोड़ी अच्छी चल रही है। पापा कुछ ठंडा हमें दिलवा दीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब थोड़ी हवा चली ना, ठीक है। तो अभी यहाँ सब एंजॉय कर रहे हैं, खाना वाना खा के। अभी भेलपूरी मंगाई है, वैसे अच्छी लग रही है। अभी पापा ने मंगाई और ये मेरा भुट्टा रहा, और सब लोग खेल रहे हैं यहाँ पे।
तुम भी आ रही हो क्या? अरे तुम रुको अपनी फोटोज के लिए, इब्रा लेना ठीक है? किसको सिंपल लिया? ऐसे ही सिंपल लेना। हाँ बेटा ये सही था। अरे गिरने दो, फिक्स कर, पिटक गया। ला तुम, अच्छा फिर ला दो। तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोग सब लोग ऐसे एक पिकनिक और आउटिंग के उससे आए थे किसी पार्क में। बहुत टाइम हो गया था हम लोग ऐसे कभी टाइम स्पेंड ही नहीं किए थे, और घर से हम लोग ये लेके गए थे कि अगर मोतीझील साइड जाना हुआ तो हम लोग ये खेलेंगे ही। वैसे तो ये मेरा फोर्थ क्लास में स्कूल से कॉम्प्लीमेंट्री मिला था किसी कॉम्पिटिशन में, तो कॉम्पिटिशन में आएगा पता नहीं किसी चीज़ में मिला था हमें ये फ्लाइंग डिस्क, तो इसलिए मेरे पास आज तक रखा है हमने संभाल के, तो ये रखा हुआ था। तो फिर हमने सोचा कि इसको भी लेके चलेंगे, और यहाँ पे हमने जब मतलब कि अच्छा हुआ कि लेके गए थे कुछ ऐसा खेलने के लिए, तो बहुत अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया हम सब ने। जैन तुम क्या लेने खड़े हो? है क्या लेने खड़े हो? अच्छा कुछ वो लेने खड़ा है, क्या हुआ? वो ठेला देख रहा है। इब्रा ये किससे बात कर रही है? इब्रा आगे नहीं, फेंक दे क्या जन्मदिन तुम्हें? जन्मदिन आप फेंक दो, तुम्हें फेंक दे, चलो चले आप फेंक दे, चल फेंक दे। अरे भैया वेव्स बन गई उसके आने से पूरी। हाय करो, हेलो करो, जो जवाब दे दे वो उसके जैसा। किसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है उसको? क्वैक क्वैक करो, क्वैक क्वैक। एक को बुला रहा राजू, कौन है राजू? वो वाला ऑड वन आउट वाला, ये तो वो हो गया डकलिंग वाला, सब वाइट और वो ऑड वन आउट हो गया। तो एक काफ़ी अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करने के बाद अभी हम यहाँ से एग्जिट करने लगे थे, और एंट्री पे इतने सारे लोगों की उस टाइम तक भीड़ हो चुकी थी जब हम एग्जिट कर रहे थे, जो कि एक्सपेक्टेड था बहुत कि शाम तक भीड़ ऐसी होने लगेगी, वही हुआ। तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दो, हदीफा को चाहिए ये। खुद अपने हाथ से तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल चुके हैं गंगा ब्राज के लिए, और यहाँ पे तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब कौन यहाँ पे उस दिन नहीं आया होगा जो बाहर घूमने निकले होंगे, तो सभी यहाँ आते, तो हम भी यहाँ आ गए थे। पानी पानी पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, लो पानी पी लो, पूरा पानी पानी। यहाँ पे भी ये खुला हुआ है डैम, अभी भाई इसको डाले। 1 2 3 मेरा प्लान उड़ गया। अभी हम लोग गंगा ब्राज आए हुए हैं गाइस। पापा पापा तो कह रहे हैं आज जितने ये स्कूटी बाइक वाले सब सीधे नहीं चलेंगे, इनके अंदर अब ऑटोमेटिक इंजन लग गया है तेज भगाने का। सच्ची में यहाँ बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं सब, कोई इस पार से उस पार नहीं जा सकता है, इतना ज्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं यहाँ पे। अब भीड़ ही भीड़ है यहाँ पे, हम लोग भी हवा एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी हवा लगी है, पानी भी काफ़ी भरा हुआ है।
तो फिर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कॉटन कैंडी, और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा डर जो बचपन में से मुझे लगता है ना, वो लगता था यहाँ के बंदरों से। और यहाँ पे तो पहले इतना ज़्यादा ये जितना अच्छे से अब डैम और रेलिंग वगैरह अब सिक्योरिटी के साथ है ना, पहले तो इतनी नहीं थी, पहले बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसी रेलिंग थी नॉर्मल सी, तो उसमें बहुत डर लगता था और ऊपर से बंदरों से बहुत डर लगता था। और यहाँ पर पुलिस हमेशा रहती है, मतलब कि इस टाइम तो वो वैसे भी चालान कर रहे थे उन सभी का जो बिना हेलमेट के था, ये तीन लोग थे ज़्यादा, मतलब कि तीन लोग तो फिर भी छोड़ दे रहे थे लेकिन बिना हेलमेट वगैरह के उन लोग को पकड़ ही रहते। तो यहाँ पर बस यही चल रहा था, इतना ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं कि यहाँ पे पुलिस भी बिल्कुल उनके पीछे लगी रहती है और तब भी कोई नहीं मानता है। इतना ज़्यादा हर एक के पास पुलिस जा जा के उनको रोकती टोकती है, लेकिन फिर भी यहाँ के किसी को मानना ही नहीं। तो फिर यहाँ पे आगे घूमते घूमते बस यही होता है कि मैगी पॉइंट है यहाँ पे, तो मैगी बैठ के यहाँ पे खा लेते हैं। मतलब बिल्कुल फुल हुआ हुआ था गंगा बराज मैगी पॉइंट से लेके पूरा रोड भी। तो यहाँ पे वैसे भी सबको घूमना होता है, गंगा बराज ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सबको मज़ा आती है घूमने में, और खास करके जब से मैगी पॉइंट खुला तो ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे टूरिस्ट उससे हो गया है। तो बस हम लोग भी यहाँ बैठे कोल्ड ड्रिंक भी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और भीड़ में भी गर्मी लगती है, फिर तो बस यहाँ पे अपना हम मैगी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह इंजॉय करेंगे। और पापा तो हर बार यही कहते हैं कि पूरा कानपुर यहीं आ जाता, यही एक जगह पूरे कानपुर वालों को मिलती है। मैंने कहा हम लोग भी तो उसी में शामिल हो जाते हैं ना, कि हम लोग भी यहीं पे आते हैं, क्योंकि मुझे तो वैसे पसंद है गंगा बराज। में जब स्कूल टाइम में थी ना तब भी मेरे फ्रेंड्स कहते थे इसको अगर कहीं घुमाने ले जाना ना तो इसको सीधा ले जाओ गंगा बराज, इसकी फेवरेट जगह। तो ये लोग पूछते थे क्या है वहाँ पर, मैंने कहा जब बारिश का मौसम हो तब वहाँ बहुत मज़ा आती है मैगी खाने में। तो बस यही सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं यहाँ पर, बस एक आउटिंग हो जाती है, एक जगह हो जाती है घूमने की। और यहाँ पे आगे डैम भी खुला हुआ, तो यहाँ पे फ्लो काफ़ी ज़्यादा था पानी का, आगे साइड पे एक डैम खुला हुआ था, तो देखिए कितना ज़्यादा फ्लो है और पानी बिल्कुल भर जाता है इस बारिश वारिश के सीज़न के बाद ही हम आए, तो पानी काफ़ी भरा हुआ था और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो गंगा बराज से निकलते निकलते हमें हो गई थी शाम, और फिर हमने डिसाइड करा कि हम लोग कहाँ जाएं। पापा तो कहते थे चलो घर चलते, तुम लोग थक गए होगे ये वो, पापा को अपना अलग भी घूमने जाना था, तो हम लोगों का नहीं नहीं हम लोग थके नहीं, हम लोग को जेड्स कर ले जाइए। तो फिर जेड्स करके पापा ने फिर बीच रास्ते में ही वहाँ का रिक्शा करके कैंसिल कर दिया और उससे बोला कि हमें घर छोड़ देना। तो बस ऐसे ही हम लोग फिर, क्योंकि हम लोग दो दिन पहले ही घूम के आए थे और फिर वहाँ शॉपिंग या कुछ खाना हो तो अलग बात है, तो फिर इसलिए हम लोग वहाँ कैंसिल कर दी, वहाँ भी बहुत भीड़ होती। तो बस ऐसे हमने अपना इंडिपेंडेंस डे इन्जॉय करा। आपने कैसे करा ज़रूर बताइएगा। मिलते चलती न्यू ब्लॉग में।